फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको दी मिरेकल का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। पहले एपिसोड की एंडिंग में हमने दोनों बहनों को लड़ते हुए देखा था। कहानी में आगे शियोन अपने स्कूल जा रही होती है। स्कूल के पास पहुंचकर वो अपने ग्रेजुएशन के दिन गिनते हुए सोच रही होती है कि काश टाइम जल्दी बीत जाए। स्कूल में जाने पर कुछ लड़कियां उसका मजाक बना रही होती हैं। तभी शियोन को सामने से एक लड़का आता दिखाई देता है जिसका नाम हान सियोक है। उसे देखकर शियोन के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। असल में शियोन उस लड़के को पसंद करती है। वो सोच रही होती है कि हान सियोक तो गर्मियों में और भी ज्यादा सेक्सी हो गया है। तभी हान सियोक के ग्रुप की एक लड़की शियोन से बात करती है और कहती है कि लगता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो। शियोन तेज आवाज में कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। शियोन ये सोचते हुए वहाँ से चली जाती है कि मेरा ये साल भी बेकार जाएगा। ये सब पिछले साल हुए उस इंसिडेंट की वजह से है। कहानी एक साल पीछे जाती है। शियोन गिफ्ट क्लास में रख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन तभी सभी क्लास में अचानक से आकर उसे घेर लेते हैं। शियोन घबरा जाती है। हान सियोक उसके हाथ में गिफ्ट देखकर पूछता है कि ये क्या है। शियोन कहती है कि इसमें कुछ नहीं है। हान सियोक कहता है कि मुझे एक बात पूछनी है। शियोन उसे पूछने के लिए कहती है। वो पूछता है कि तुम ये मुझे देने के लिए लाई थी या फिर तुम इसे चुरा रही थी। सब हंसने लगते हैं। तभी वो लड़की शियोन से वो गिफ्ट छीन लेती है। शियोन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती। वो लड़की गिफ्ट खोलकर शियोन के लिखे लेटर को पढ़कर सबको सुनाती है, जिसमें लिखा होता है, हान सियोक, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं बचपन से सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती आई हूँ। हाई स्कूल में भी तुम्हारे साथ सेम स्कूल में पढ़कर सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती रहूँगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। शियोन रो रही होती है। हान सियोक कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे ये पता नहीं था। और फिर वो सबके साथ मिलकर शियोन का मजाक बनाने लगता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ये इंसिडेंट याद कर शियोन रो रही होती है। दूसरी तरफ पार्क में शिया और पार्क सियोंग को डायरेक्टर एड के लिए समझा रहा होता है। ये एड एक सॉफ्ट ड्रिंक का होता है। वो लोग शिया और पार्क सियोंग को एड के लिए अजीब अजीब से एक्शन करके दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है। ये सब देखकर पार्क सियोंग कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं ये करूं। उधर अपने घर के आंगन में बैठकर शियोंग कुछ सोच रही होती है। उनके घर का गेट खुला रह जाता है और उनका डॉग बाहर चला जाता है। शियोंग को ये पता नहीं चलता। वो अपने घर में अपने डॉग को ढूंढती है। जब वो घर में नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ एड की शूटिंग शुरू हो जाती है। शिया तो पूरे जोश के साथ एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन पार्क सियोंग एड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। एड के बीच में ब्रेक होता है तो पार्क सियोंग अपने मैनेजर से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। उसका मैनेजर उसे कहता है कि इसे केवल एक बार कर लो। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरी इमेज के साथ मैच करता है। मैं एक सिंगर हूँ, शिया एक आइडल है, लेकिन मैं नहीं हूँ। उसका मैनेजर कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम एड इंडस्ट्री से बाहर हो जाओगे। पार्क सियोंग हंसते हुए कहता है कि ये तो और भी अच्छा है, कम से कम फिर मैं अपने म्यूजिक पर फोकस कर पाऊंगा। फिर वो गुस्से में कहता है कि अगर मुझे पता होता कि इस एड का कॉन्सेप्ट ऐसा है और अगर मुझे पता होता कि ये सिया के साथ है तो मैं ये एड करने के लिए राजी ही नहीं होता। उसका मैनेजर कुछ बोल रहा होता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला तो अब तुम ही संभालो, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। पार्क सियोंग बेंच पर बैठा होता है। शिया उसके पास आकर कहती है कि स्टेज पर परफॉर्म करना भी एक्टिंग है, लेकिन एड में एक्टिंग करना अलग है ना। ऐसा लग रहा होता है जैसे शिया बड़े घमंड के साथ कह रही है। पार्क सियोंग कहता है कि क्या हम दोनों क्लोज हैं जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मेरे साथ में एड कर लो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे अच्छी एक्टिंग करती हूँ। तुम ऐसे इसलिए हो क्योंकि तुम नर्वस हो। अगर हम साथ में काम करें तो पार्क सियोंग उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है कि अगर तुम एक्टिंग में अच्छी हो तो बस एक्टिंग ही करो। तुम तो बस अपना फेस यूज करती हो और अपने ग्रुप में ऐसे शो करती हो जैसे कि तुम सिंगर हो, जबकि तुम गा भी नहीं सकती। ज्यादा उड़ो मत। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। बाद में पार्क सियोंग का मैनेजर सीईओ से फोन पर माफी मांग रहा होता है। वो पार्क सियोंग की तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है। उसके बाद वो पार्क सियोंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से शिया भी ऐड नहीं कर पाई। वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
दूसरी तरफ सिया अपने मैनेजर के सामने रो रही होती है। वो कहती है कि मुझे सिंगर बनना है। उसका मैनेजर उसे चुप करा रहा होता है। उधर शियोंग को अपने डॉग को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वो अपने डॉग को ढूंढ रही होती है कि तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वो डर जाती है। तभी वो देखती है कि एक लेडी बेहोश पड़ी होती है। वो उस लेडी को होश में लाने की कोशिश करती है, फिर वो उसे उठा लेती है। तभी उसे उसका डॉग भी मिल जाता है। वो उस लेडी को लेकर जा रही होती है। एक जगह पर आकर वो लेडी शियोंग को कुछ कहती है। शियोंग के रुकने पर वो लेडी उसकी पीठ से उतर जाती है। तभी उस जगह की सारी लाइटें अपने आप ऑन हो जाती है। शियोंग उस लेडी से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो लेडी शियोंग को अंदर आने के लिए कहती है। शियोंग अंदर चली जाती है। वो जगह एक टैरो शॉप होती है। अंदर जाकर शियोंग पूरी जगह को देख रही होती है। वो लेडी एक कैंडल की तरफ देखती है और वो कैंडल अपने आप जल जाती है। ये देखकर शियोंग चौंक जाती है। शियोंग उस लेडी से पूछती है कि क्या आप सच में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हैं? वो लेडी कहती है कि मुझे लगा था अभी टाइम बचा है। शियोंग कुछ समझ नहीं पाती। वो लेडी शियोंग को कहती है कि तुम्हारी आँखें दुखों से भरी हुई है। फिर वो शियोंग से एक कार्ड उठाने के लिए कहती है। तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक कार्ड पढ़ूंगी। शियोंग कहती है, आंटी मैं कुछ समझी नहीं। वो लेडी कहती है, मैंने तुम्हें कार्ड उठाने के लिए कहा है और मुझे आंटी मत कहो। शियोंग एक कार्ड उठाकर उसे देती है। वो लेडी कहती है कि मैं 30 सालों से कार्ड पढ़ रही हूँ, लेकिन तुम पहली हो जिसने ये कार्ड उठाया है। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, इसे मैंने खुद बनाया है। ये दुनिया में अपनी तरह का इकलौता कार्ड है। फिर वो शियोंग को वो कार्ड दिखाती है जिस पर लिखा होता है दी मिरेकल। फिर वो शियोंग से एक विश मांगने के लिए कहती है। शियोंग मन में सोचती है कि ये तो धोखेबाज हैं। वो लेडी गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझे धोखेबाज कह रही हो? ये सुनकर शियोंग चौंक जाती है। फिर वो लेडी हंसते हुए कहती है कि मुझे अपनी विश बताओ, वो पूरी हो जाएगी। शियोंग फिर मन में सोचती है कि क्या सच में मेरी विश पूरी हो जाएगी? शायद आंटी मुझसे मजाक कर रही है। फिर वो सोचती है कि मुझे सिया से बदल जाने की विश मांगनी चाहिए। मेरी लाइफ तब से ही गलत रही है जब से मैं अपनी मॉम के पेट में थी, और ये कुछ ऐसा तो है नहीं जो एक विश से बदल जाए, धोखेबाज आंटी। लेकिन फिर भी वो उस लेडी से कहती है, मेरी विश है कि कितना भी खाने के बाद मेरा वेट ना बढ़े। वो लेडी हंसते हुए अपने गले में से एक नेकलेस दिखाते हुए शियोंग से उसे पहनने के लिए कहती है। शियोंग कहती है कि मेरे पास रुपए नहीं है। वो लेडी कहती है कि ये नग भाग्य और खुशी का सिंबल है, कुछ मत कहो और इसे पहन लो। शियोंग वो नग देख रही होती है। वो लेडी कहती है, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओ तो तुम वापस आ सकती हो। शियोंग पूछती है कि अगर मैं हैंडल नहीं कर पाई? अच्छा, तो आप इसे बेच रही है ना? वो लेडी हंसते हुए कहती है कि मैं इसे उस लड़की को दे सकती हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। फिर वो शियोंग के हाथ में नेकलेस रखकर उसे जाने के लिए कहती है। शियोंग अपने डॉग के साथ घर जा रही होती है। उसने वो नेकलेस पहना होता है। वो कहती है, ये सब क्या था, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उधर शिया भी डांस प्रैक्टिस करते हुए बेहोश हो जाती है। शियोंग को हॉस्पिटल में होश आता है। सामने उसे शिया बेहोश हुई दिखती है। फिर वो सोच रही होती है कि हम दोनों में कोई चीज नहीं मिलती सिवाय एक चीज के, हम दोनों हमेशा साथ में बीमार पड़ती हैं। तभी उनकी मॉम वहाँ आती है और कहती है कि तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। वो शिया से कहती है कि तुम्हें कमजोरी हो गई थी, मैंने तुम्हें डाइटिंग करने से मना किया था ना। फिर वो शियोंग से कहती है कि तुमने फिर से क्या खा लिया, तुम दोनों का डाइजेशन खराब है। शियोंग अपनी मॉम से कहती है कि क्या आपकी तबीयत खराब है, मैं शिया हूँ। फिर शिया कहती है कि मुझे कमजोरी क्यों होगी। उनकी मॉम उन्हें कहती है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम क्या बोल रही हो। और फिर वो अपने फोन पर बात करने के लिए बाहर चली जाती हैं। अब शियोंग खड़ी उठती है, वो अपनी बॉडी देख रही होती है। शिया भी खड़ी उठती है। वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और फिर चिल्लाने लगती हैं। शियोंग अपने चेहरे पर हाथ लगाकर कुछ चेक करती है और दोनों फिर चिल्लाने लगती हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड अपने साथ कई सवाल छोड़ गया है, जैसे कि दोनों बहनें अजीब बातें क्यों कर रही हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने क्यों लगती है। इन सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।